अगर मैं कहूं कोई भी हाई सेलिंग प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं लेकिन उसमें जो लगने वाली जो पूंजी है उसको आप नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल है, इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आप बिना CO2 लेजर कटिंग मशीन टेम्पर्ड ग्लास बेचना चाहते हैं या फिर बिना जो कपड़े अगमान के चले कपड़े बेचना चाहते हैं, कपड़े का ज्यादा स्टॉक रखे बिना ही आप, यानी कि अगर स्टॉक रखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा पूंजी की इन्वेस्टमेंट होती है। उसी तरीके अगर टेम्पर्ड ग्लास अगर आप बेचना चाहते हैं उसके लिए CO2 लेजर कटिंग मशीन चाहिए, उसके लिए पूंजी की जरूरत है। उसी तरीके अगर आप लैपटॉप स्क्रीन डेकल बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंटर की, बड़े प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, CO2 लेजर कटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी या प्लॉटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं अगर दोस्तों आपको बताऊं कि इसको इतना सारा इन्वेस्टमेंट करे बिना ही आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट, आई हैव 7+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, मैं एक डिजिटल मार्केटर भी हूं। सो एक जैसे कि मैंने बताया कि बिना पूंजी लगाए, तो इस बात पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और इसके रिलेटेड हम बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे और इसको आप कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं और आपके लिए क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। सो इसी के बारे में एक वीडियो सीरीज भी बनाऊंगा और जो ऑलरेडी जो सोच रहे कि पूंजी नहीं होने की वजह से सोचते हैं कि इसको कैसे करा जाए, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने में डेफिनेटली फायदा तो है, पर यस थोड़ा सा उसको स्मार्ट वे में भी अगर आप करना शुरू करें तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आप बिना पूंजी लगाए आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। सो चलिए इसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। सो ए है, आपने कभी ना कभी सुना होगा ड्रॉप शिपिंग। सो इसके बारे में पहले बता देता हूं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। सो ड्रॉप शिपिंग का मतलब यह होता है कि मान के चलिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और आप एक सेलर बनना चाहते हैं फ्लिपकार्ट का, तो आप क्या करेंगे, मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मैं ड्रॉप ऐसा हूं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। मान के चलिए मैं मैन्युफैक्चरर, मेरे पास CO2 लेजर कटिंग मशीन है, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक है लैपटॉप स्क्रीन डेकल का भी, कपड़े का भी, जूते का भी, सब कुछ का मेरे पास स्टॉक है। तो अक्सर आप ये चीज मार्केट में मिलेगा, बेसिकली मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरीके से करते हैं कि सारी चीज के स्टॉक रखते हैं और अगर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे संपर्क करेंगे और क्या करेंगे कि जैसे कि मैं कैटलॉग बना दूंगा, मेरे पास मान के चलिए 20 प्रोडक्ट है, जूते हैं, चप्पल है, लैपटॉप स्क्रीन डेकल है, टेम्पर्ड स्क्रीन है, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं आपके सेलर अकाउंट में मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैंने अपलोड कर दिया और आपने मेरे एड्रेस को, आपने शिपिंग एड्रेस डाल दिया, इसमें क्या होगा, और इसमें आप अकेले नहीं, इसमें से 10 सेलर, 20 सेलर, 50 सेलर, 100 सेलर, 1000 सेलर जुड़ सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपने मेरे यहां मेरे वेयर हाउस का स्टोर का एड्रेस दे दिया और जब आपका ऑर्डर आया मेरे पास, या तो फिर किसी भी तरीके से, या तो फिर जैसे मैंने एक्सेस देना मैंने बताया हुआ है, एक वीडियो मैंने बताया कि कैसे आप एक्सेस किसी को दे सकते हो, लीगली वैलिड है फ्लिपकार्ट की तरफ से, अमेजोन की तरफ से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, आपने एक्सेस दे दिया जिससे कि कोई भी ऑर्डर आया आपके पास, कोई सेलर वन के पास ऑर्डर आया, सेलर टू के पास ऑर्डर आया, सेलर थ्री के पास ऑर्डर आया, तो एक वहां मैं अपने पास बंदे रखा हूं कि यस आपके पास ऑर्डर आया, तो जो भी ऑर्डर आया मैं आपको प्रोडक्ट डिस्पैच कर दिया, सेलर टू का भी डिस्पैच कर दिया, सेलर थ्री का भी डिस्पैच कर दिया। तो इस तरीके से होता है ड्रॉप शिपिंग और इस तरीके से फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इंडिया में इस तरीके से पॉसिबल है। कुछ लिमिटेशंस हैं उसको भी मैं बताऊंगा। सो ऐसे बहुत सारे मार्केट में लोग अवेलेबल हैं, तो यस अगर आप इन सारी चीजों में डील करना चाहते हैं, जैसे कि लैपटॉप स्क्रीन, मान के चलो कोई भी हाई सेलिंग प्रोडक्ट है आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, उनसे आप बात कर सकते हैं कि जनरली हर कोई तो रेडी नहीं होगा इस चीज के लिए, लेकिन ऑलरेडी कुछ लोग डेडिकेटेड बंदे हैं जो इस तरीके से करते हैं, जैसे कि दिल्ली में मैंने कई लोगों को सुना हुआ है, वो ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि उनके पास जो भी प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्ट को आप अपने सेलर अकाउंट में कैटलॉग बना दिया और सेल जो भी ऑर्डर आया वो यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन उसको डिस्पैच कर दिया, और यानी कि जो भी उसका प्राइस मान के चले एक टेम्पर्ड ग्लास का वो 10 रुपए का आता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं अपना मार्जिन रख करके 15 में आपको देना चाहता हूँ, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के,
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें फायदा क्या है कि आपको जैसे कि उसके पास तो एक सेलर की लिस्ट है, कंप्लीट सेलर्स की लिस्ट है 150, तो उनको कोई पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करके रखने में या और भी सामान ऑर्डर करने में बल्क में रख लेते हैं, उनको भी फायदा है कि चलो उनको भी थोड़ा मार्जिन मिल जाता है। और जो सेलर्स जो इस सर्विस को अवेल करते हैं उनको क्या है कि उनको स्टॉक ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। और उन नेक्स्ट चीज है बेनिफिट में बता रहा हूं कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सामान का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पैकेजिंग वगैरह के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम की भी सोचने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपको पूंजी, सबसे बड़ी बात तो पूंजी आप नहीं लगा रहे, यानी कि जो मैं मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है तो मैं मान के चले जैसे ही एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया और उन्होंने डिस्पैच कर दिया और उन्होंने वीडियो के थ्रू या जैसे भी प्रूफ के साथ उन्होंने डिस्पैच कर दिया और आपके पास जो आपने रेडियो डिस्पैच कर दिया, आपने उस समय पेमेंट कर दिया 10 या 15 जो भी एक्चुअल अमाउंट, मान के चले मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ, 15 रुपए में बेच रहा हूँ, तो आप सेलर्स जो है आप उनको अपने जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मार्जिन रख करके आप सेल कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। और इस तरीके से इंडिया में बहुत चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ या नई बात बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत पहले से ऐसे प्रचलन है, चलता आ रहा है। एक तरीके से फ्लिपकार्ट भी यही कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी तो एक प्लेटफॉर्म, एक डिफरेंस ये है कि वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, अमेजोन प्लेटफॉर्म दे रहा है, जैसे कि आपने और अदर जैसे कि कैब सर्विस प्रोवाइडर्स की भी आपने देखा होगा, उनके पास कोई कार नहीं होता लेकिन वो सर्विस दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट की भी देखो, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है पर फिर भी वो प्लेटफॉर्म दे करके अपना बेनिफिट मार्जिन निकाल रहे हैं। उसी तरीके आप उन प्रोडक्ट्स को आप आउटसोर्स कर सकते हैं कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उनको आप शिप कर दीजिए, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे की बातें मैं बताता हूं। जितने लोग भी इस तरीके से करने के लिए इंटरेस्टेड है, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जैसे कि आप सेलर है, आप अगर जानना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं जो सेल करना चाहता हूं तो इसके जो कौन है स्टॉक करने वाला, कौन ऐसा सर्विस सप्लाई कर सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और जो सर्विस देते हैं, जैसे कि मैंने कुछ लोगों को जानता हूं, जैसे कि लोग जूते चप्पल बैग लेडीज पर्स जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको कुछ लोग दिल्ली में भी प्रोवाइड कराते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो इस तरीके की जो सर्विस देते हैं, ड्रॉप शिपिंग जो सर्विस जो देते हैं, उन लोग भी हमसे संपर्क करिए। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें कोई भी चार्जेस लेने वाला नहीं, बस बेसिकली मैं हेल्प के लिए कह रहा हूं, जो इंटरेस्टेड है एटलीस्ट उनको भी हेल्प मिल जाएगा। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर आप इस तरीके की स्टॉक रखते हैं और इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं या फिर आप जो YouTube जो वीडियो है वहीं पे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, अगर कोई ऐसा बंदा है ड्रॉप शिपिंग जो देता है और लेना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो एक दूसरे से बातें करके इस तरीके से थोड़ा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर जो जूझ रहे हैं कि जिनके पास पूंजी वगैरह की कमी है, जैसे कि CO2 लेजर कटिंग मशीन वगैरह है तो लोग उसमें 60-70 हजार जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप अच्छे क्वालिटी का जो लैपटॉप स्किंडेकल सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, या फिर क्लोथिंग कैटेगरी में जाएं या फिर फुटवेयर कैटेगरी में जाएं, ये हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसमें स्टॉक बहुत ज्यादा रखने की जरूरत पड़ेगा अगर आप खुद से सेल करना चाहते हैं। अगर आप सक्षम है स्टॉक रखने का तो आप सेल करिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप ड्रॉप शिपिंग भी आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको पूंजी उतना लगाना नहीं पड़ेगा, राइट। इसमें थोड़ा सा और चीजें बता देता हूं कि क्या होता है, इसमें आप इसको कैसे अवेल करेंगे। पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट। अगर आप जो जैसे कि मान के दिल्ली वालों के लिए तो दिल्ली में है, मैं कुछ लोगों को मैं जानता हूं कि दिल्ली में इस तरीके के जो सर्विस देते हैं तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका जो फ्लिपकार्ट स्पेशली फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा लिमिटेशन है, यानी कि आप जिस स्टेट में मान के चलिए आपका जो GST है दिल्ली का है तो दिल्ली में जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हीं को अवेल कर सकते हैं, और अदर स्टेट में अगर आप करना चाहते हैं तो वहां के लिए आपको उस स्टेट का GST लेना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। और Amazon और अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो नो मैटर आप दिल्ली से हैं या गुड़गांव से हैं, अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है दिल्ली में है
और आप किसी भी स्टेट से अगर आप एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं कि मेरा जो शिपिंग एड्रेस दिल्ली होना चाहिए या कोलकाता होना चाहिए या मुंबई होना चाहिए, जो भी जहां से आप सर्विस ले रहे, तो ये पॉसिबल है। तो यस डेफिनेटली ये फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा लिमिटेशन है कि अगर एक 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 स्टेट में है तो ठीक है। जैसे कि मान के चल मैं गुड़गांव से हूँ, तो हरियाणा की किसी भी लोकल एरिया का एड्रेस मैं चेंज करा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अलग से जीएसटी लेना नहीं पड़ेगा अगर मेरे पास हरियाणा का जीएसटी है तो। लेकिन मैं दिल्ली का कोई सर्विस लेना चाहता हूँ तो वहां का मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट की ये लिमिटेशन है, पर और अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा लिमिटेशन नहीं है। तो यस डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं इस सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आगे थोड़ा सा हट करके बात करते हैं कि जो इसको जो बेनिफिट तो मैंने बता दिया, नुकसान देखिए, नुकसान के मामले में तो सीन ये है कि बहुत सारे ऐसे जो मैंने देखा है, ट्रेंड देखा है, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो ऑलरेडी जो इस तरीके से जो ड्रॉप शिपिंग दे रहे हैं उनमें थोड़ा सा क्या हो सकता है कि वो ड्रॉप शिपिंग देते हैं तो थोड़ा सा वो आपको यस डेफिनेटली आपका जो और सारी चीजें कॉस्ट लेंगे थोड़ा सा, जैसे क्योंकि वो जो प्राइस देते हैं उसमें मान के चलिए एक शर्ट है, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर शर्ट है, तो शर्ट का प्राइस है 149 प्राइस है, तो उसमें वो क्या करते हैं, हो सकता है पैकेजिंग भी आपके लिए करके देते हैं, हेल्प कर रहे हैं आपके लिए, जो कैटलॉग भी बना करके दे दे रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा मार्जिन वो रख लेते हैं, लेकिन फिर भी फायदा है इसमें, आपको उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यस डेफिनेटली फायदा है, लेकिन यस थोड़ा सा चार्ज कर लेते तो उसके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए काइंड ऑफ हेल्प कर रहा है, तो यस वो भी एक गुड पॉइंट है। सो ये जो मेरा जो ये जो मैंने बताया, इस तरीके से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर वीडियो कमेंट सेक्शन में ही कर सकते हैं, और जो इस तरीके से सर्विस देने के लिए इंटरेस्टेड है वो भी बता सकते हैं, और आपस में मिल करके काम कर सकते हैं, इसमें दोनों को ही फायदा है, जो होलसेलर कह सकते हैं या स्टॉक में रखते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा सेलर्स उनके लिए मिल जाएंगे, और आपके लिए फायदा यह है कि आपको ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एक कॉमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसे लगा, और इसमें आपको और क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इस तरीके से अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो इसमें और भी डिटेल वीडियो में लाऊंगा कि और अदर जो कैटेगरीज में कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो इस तरीके के जो सर्विस दे रहे हैं उनको भी मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा सबको, यानी कि जो सप्लायर को भी और सेलर को भी, दोनों को एक जगह लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि दोनों को ही फायदा होगा। सो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सपोर्ट इज हाईली रिक्वायर्ड, सो जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों को भी बताइए डेफिनेटली, और जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद हो, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि ये सब करने का कोई भी चार्जेस नहीं होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जो कि आपके फायदे के लिए अच्छा हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।